रायपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि भाजपा पूरी 11 लोकसभा सीट जीतने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। हमारे सभी कार्यक्रम जनता तक पहुंच रहे हैं। वहीं कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि ये बात तो हम शुरू से कह रहे हैं, ये उनके विषय है कि किनको लड़ना है और किनको नहीं लड़ना, लेकिन ज्यादातर जगहों पर उनके नेता दूसरे क्षेत्र से जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसका कांग्रेस के अंदर ही विरोध है। जनता के अंदर क्या रिस्पॉन्स होगा, आकलन लगाया जा सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी समेत अन्य नेताओं ने दौरे पर देव ने कहा कि जितने राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनके कार्यक्रम धीरे धीरे बनेंगे, शायद पीएम मोदी भी आएंगे। लेकिन यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे 11 लोकसभा छत्तीसगढ़ की जीत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है निरंतर, और हमारे सभी कार्यक्रम, और बहुत पहले से ही मैंने पूर्व में भी कहा है, विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही और भारतीय जनता पार्टी ऑन फ्लोर ऑन बोर्ड पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय जेपी नड्डा जी के निर्देश और उनके आह्वान पर सभी प्रकार के कार्यक्रम को लेकर हम नीचे तक पहुंच रहे हैं। ये बात तो हम शुरू से कह रहे हैं, ये वास्तव में उनका विषय है। अब उनको किनको लड़ना है किनको नहीं लड़ना है, लेकिन आप देख लीजिए ज्यादातर जगहों पर उनके जो आयतित प्रत्याशी हैं जो दूसरे क्षेत्रों से जाकर उस लोकसभा में लड़ने के लिए जो जा रहे हैं उनका व्यापक पैमाने पर कांग्रेस के अंदर ही विरोध हो रहा है, और जब कांग्रेस के अंदर ही विरोध है तो जनता के बीच में क्या रिस्पांस होगा इस बात को सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है।